स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल इज यूएस इकोनॉमी स्लिपिंग इन टू रिसेशन ऐसे न्यूज आर्टिकल्स और ऐसी हेडलाइंस अक्सर आजकल आपको अपने न्यूज़पेपर्स में देखने को या पढ़ने को मिलती ही होगी क्योंकि देर आर डिबेट्स गोइंग अराउंड दी वर्ल्ड कि क्या यू एस इकॉनमी इज़ मूविंग टूवर्ड्स द रिसेशन या वो ऑलरेडी स्लिप कर चुकी है रिसेशन में तो ये रिसेशन क्या होता है और इसके रीजंस क्या है और इंडिकेटर्स क्या है इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी कंसेप्टोनॉमिक सीरीज़ में सो वेलकमिंग यू ऑल टू द दूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी आई मेरा नाम नानकी बवेजा है एंड स्टूडेंट्स आज जिस कन्सेप्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है रिसेशन और रिसेशन के क्या रीजंस होते हैं और क्या इंडिकेटर्स होते हैं उस पर भी हम आज गौर फरमाएंगे तो रिसेशन को समझने से पहले रिसेशन को समझने से पहले आपको एक ये छोटे से ग्राफ की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना होगा ये ग्राफ क्या दिखाता है ये ग्राफ दिखाता है फेजेस ऑफ एन इकॉनमी की एक इकॉनमी में किस तरीके के फेजेस आते हैं तो चाहे वो कोई सी भी इकोनॉमी क्यों ना हो चाहे वो साउथ कोरिया हो या जापान हो यूएस इकोनॉमी हो या इंडियन इकोनॉमी हो हर इकॉनॉमी में साइकिल्स होती हैं उतार और चढ़ाव की जिसको बोला जाता है पीक या फिर एक्सपेंशन जिसको बोला जाता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जब कोई भी इकॉनमी एक्सपैंड कर रही होती है तो एक्सपेंशन का मतलब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रहा है लोग ज़्यादा डिमांड uh, कर, कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को अगर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा है तो मतलब एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो रहा होगा क्यों जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज़ होती है मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो अपने फुल स्विंग में काम कर रही हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ हैं वो एक्सपैंड कर रही है तो मतलब नई लेबर को एम्प्लॉय कर रही है तो मतलब मतलब जब भी किसी इकॉनमी में डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज़ होता है इट इज़ कंपनीड विद इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट सिमिलरली अगर हम इसका ऑपोजिट देखें जब इकॉनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है कॉन्ट्रैक्ट मतलब देर इज डिक्लाइन इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस अब जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस ही नहीं है तो लेबर को रख के क्या करना है तो उस टाइम क्या इंक्रीज होता है अनएम्प्लॉयमेंट तो ये फेजेस होते हैं हर इकॉनमी में पर इसकी ड्यूरेशन डिफर करती है इकॉनमी टू इकॉनमी इकोनॉमी से इकोनॉमी डिफर करती है कि कितना टाइम इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी और कितना टाइम इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये तो हो गए फेजेस ऑफ एन इकोनॉमी अब रिसेशन क्या होता है उसको भी देख लेते हैं तो स्टूडेंट्स रिसेशन की कोई एक स्टैंडर्डाइज या जनरल डेफिनेशन नहीं है रिसेशन को यूजुअली डिफाइन किया जाता है व्हेन द इकोनॉमी स्टॉप्स ग्रोइंग मतलब इकोनॉमी ने स्टॉप कर दिया है ग्रो करना एंड स्टार्ट श्रिंकिंग मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग गई है अ विद साथ में और क्या हो रहा है देर इज़ इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी इंक्रीज हो रही है क्या क्या हो रहा है एक तो इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट कर रही है मतलब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस नहीं है मार्केट जाओ तो वहां गुड्स एंड सर्विस बिक ही नहीं रहे हैं क्योंकि उनको कोई खरीदने वाला नहीं है और साथ ही साथ क्या हो रहा है जो अनएम्प्लॉयमेंट है बेरोजगारी है वो बढ़ रही है एक टेक्निकल तरीके से भी कोशिश करी गई है रिसेशन को डिफाइन करने की और वो डेफिनेशन है इट कुड बी डिफाइंड एज व्हेन द जीडीपी जीडीपी ऑफ द कंट्री जीडीपी क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री फॉल्स फॉर टू स्ट्रेट क्वार्टर्स अब क्वार्टर क्या होता है हर क्वार्टर में तीन महीने होते हैं तो टू स्ट्रेट क्वार्टर्स मतलब टू बैक टू बैक क्वार्टर्स मतलब छह महीने मतलब अगर लगातार छह महीने तक जीडीपी ऑफ अ कंट्री फॉल कर रहा है तो माना जाता है कि कंट्री इज़ गोइंग थ्रू रिसेशन और बस यही इस टाइम कहाँ हो रहा है यूएसए में हो रहा है यूएस इकोनॉमी में जो जीडीपी है वो स्ट्रेट छ महीने तक लगातार कॉन्ट्रैक्ट किया तो दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ने बोलना चालू कर दिया जी यूएस इज स्लिपिंग इनटू रिसेशन लेकिन वहां के जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि भाई इस डेफिनेशन में एक ग्लिच है एक प्रॉब्लम है एक फॉल्ट है और वो फॉल्ट क्या है कि ये जो डेफिनेशन है ये रिसेशन को एक जीडीपी के लिमिटेड पर्सपेक्टिव से डिफाइन करती है हो सकता है दूसरे फैक्टर्स जो इकोनॉमी में है वो स्टेबल हो लेकिन इसने क्या बोल दिया कि अगर जी किसी भी रीजन से छह महीने तक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो मतलब कंट्री कहां चली गई कंट्री रिसेशन में तो इसका काफी किया जा रहा है यूएस के इकोनॉमिस्ट द्वारा बट खैर हमारे लिए वो जानना जरूरी नहीं है हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि रिसेशन क्या होता है तो रिसेशन की हमने डेफिनेशन देखी आइए फटाफट से इसके रीजन भी जान लेते कि, कि क्या कॉजेज हैं रिसेशन के फर्स्ट कॉज इकोनॉमिक शॉक अब इकोनॉमिक शॉक क्या होता है इकोनॉमिक शॉक किसी भी इकोनॉमी को शॉक कब लगता है या तो वहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे कि जिसको एक्ट ऑफ गॉड भी कहा जाता है जैसे कि कोई बाढ़ आ गई फेमाइन आ गया फ्लड आ गया या फिर कोई अर्थ को एक आ गया या कोई पैंडमिक आ गया तो उस टाइम क्या होता है अगर कोई अगर कोई इकोनॉमी को शॉक लगता है तो उस टाइम डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस एकदम खत्म हो जाती है आपने देखा होगा लोग अपनी खरीदारी बिल्कुल रोक देते हैं अब अगर खरीद ही नहीं रहे हैं लोग बाजार में जाके तो जीडीपी कैसे इंक्रीज होगा क्योंकि जीडीपी क्या है जीडीपी इज मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन दी इकॉनमी अब जब गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे इकॉनमी में तो क्या होगा जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगा और जीडीपी अगर छह महीने तक कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मतलब क्या हो गया रिसेशन आ गया सो द फर्स्ट रीजन फर्स्ट कॉज ऑफ रिसेशन इज व्हेन देर इज एक्सटर्नल और इकोनॉमिक शॉक विच द कंट्री फेसेस दूसरा रीजन व्हेन देर इज लॉस ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कंज्यूमर जो कि देश में जो ग्राहक है जितने भी लोग हैं अगर वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाए अपनी आर्थिक व्यवस्था में तो वो क्या करेंगे वो खर्च नहीं करना पसंद करेंगे वो अपना पैसा संभाल के वो जोड़ के रखना की कोशिश करेंगे रादर देन गोइंग एंड स्पेंडिंग इन दी मार्केट तो इससे क्या होगा जब वो स्पेंड नहीं कर रहे तो मार्केट में डिमांड नहीं है गुड्स गुड्स एंड सर्विस की अब जब डिमांड ही नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज की तो फैक्ट्रीज़ जो हैं जो मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो किसके लिए प्रोड्यूस करेंगी तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग रोक देंगे और जैसे ही मैनुफैक्चरिंग रुक जाएगी तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो क्या कर जाएगा वो डिक्लाइन कर जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तीसरा रीजन देखते हैं हाई इंटरेस्ट रेट हाई इंटरेस्ट रेट से क्या होता है जैसे ही जैसे ही इंटरेस्ट किस पे देते हैं जब हम लोन लेते हैं लोन जब लेते हैं उस पे इंटरेस्ट देना रहता है ना हमको भाई पैसा यूज कर रहे हैं बैंक का तो जब इंटरेस्ट रेट महंगा हो जाता है तो इससे क्या होता है हमारी स्पेंडिंग कम हो जाती है एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने ये सोचा कि जब पैंडमिक खत्म होगा तो हम बैंक के पास जाएंगे और जाके लोन लेंगे और लोन लेके हम एक गाड़ी खरीद के लाएंगे और उसी से रोज ऑफिस जाया करेंगे ऐसी सोच हो सकता है बहुत सारे लोगों की हो जिन्होंने सोचा होगा कि पैंडमिक के बाद अब हम गाड़ी लेंगे और गाड़ी से ही जाया करेंगे लेकिन भाई पैंडेमिक के बाद पता चला कि लोन जो है वो महंगे हो गए लोन कैसे महंगे हो गए कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट था वो इंक्रीज हो गया तो अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से लोन महंगा हो जाएगा तो अब क्या होगा लोग नहीं मतलब कम लोग लोन लेंगे क्योंकि अब लोन लेना क्या हो गया है महंगा तो पहले जो स्पेंडिंग होती मान लीजिए पहले दस लोग गाड़ी खरीदने के इच्छुक थे गाड़ी खरीदना चाहते थे अब उसमें से सिर्फ चार ही रह जाएंगे क्यों क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है लोन पे इंक्रीज हो गया है तो उसकी वजह से भी क्या होगा अब अगर कम लोग लोन ले रहे हैं तो मतलब कम स्पेंडिंग हो रही है मार्केट में कम स्पेंडिंग हो रही है मतलब डिमांड ही नहीं है गुड्स एंड सर्विस की डिमांड नहीं है गुड्स एंड सर्विस की तो आपको पता है फिर क्या होगा एंड लास्ट इज सडन स्टॉक मार्केट क्रैश अगर अचानक किसी दिन ऐसा होता है कि आपके देश का जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर जाए जो इंडेक्सेस हैं वो क्रैश कर जाएँ तो भी लोगों में क्या आ जाता है लोगों में खौफ आ जाता है दे स्टॉप स्पेंडिंग इन दी मार्केट वो क्या करते हैं अगेन व्हाट दे डू इज वो चाहते हैं कि वो पैसा अपने पास जोड़ के रखे उनका कॉन्फिडेंस मार्केट से इवेड हो जाता है टूट जाता है तो जब वो पैसा अपने पास जोड़ के रख रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए मतलब वो मार्केट में जाके स्पेंड नहीं कर रहे हैं स्पेंड नहीं कर रहे हैं तो डिमांड नहीं है डिमांड नहीं है तो जी क्या कर रही है कॉन्ट्रैक्ट कर रही है जीडीपी कॉन्ट्रेक्ट कर रही है छह महीने तक तो हम कहां है? रिसेशन में तो ये कहा हो गए अब बात करते हैं कि क्या इंडिकेटर्स हैं ऐसे कौन से वो सिग्नल्स हैं जिससे इकोनॉमिस्ट को पता चलता है कि कहीं इकॉनमी में रिसेशन तो नहीं आ रहा तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ दैट इंडिकेटर इज देयर इज डिक्लाइन इन रियल जीडीपी जीडीपी पता है क्या होता है हमें हाँ पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कॉन्सेप्टोनॉमिक में ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ कि भाई जीडीपी क्या होता है जीएनपी क्या होता है नेशनल इनकम क्या होता है जिन्होंने नहीं देखा है कि जी क्या होता है डेफिनेटली जाइए कॉन्सेप्टोनॉमिक्स की प्ले ऑन करिए और वहाँ पर पहले समझ के आइए कि जी होता क्या है तो जैसे ही जैसे ही देर इज डिक्लाइन इन रियल जी डिक्लाइन इन रियल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसी टाइम एक सिग्नल जनरेट हो जाता है एक अलर्ट आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इकॉनॉमी जो है देश की आर्थिक व्यवस्था में रिसेशन आने वाला है नेक्स्ट रीजन जब अचानक से अनएंप्लॉयमेंट बेरोजगारी इंक्रीज हो यह भी एक सिग्नल माना जाता है कि कहीं इकॉनॉमी रिसेशन की तरफ तो नहीं बढ़ रही दूसरा स्टैग्नेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ नहीं रहा स्टैग्नेट कर रहा है मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उतना ही है जितना पहले था दैट ऑल्सो इज़ अ सिग्नल एंड लास्ट इज देर इज़ डिक्लाइन इन कंज्यूमर स्पेंडिंग कंज्यूमर स्पेंड ही नहीं करना चाह रहा वो पैसे अपने पास रखना चाह रहा है जोड़ के सेव करना चाह रहा है सिक्योरिटी के लिए एंड दे आर नॉट विलिंग टू स्पेंड इन गुड्स एंड सर्विसेज और बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनमी ठीक है ना दीज आर दी सिग्नल्स सिग्नल्स इन्हीं सिग्नल्स के थ्रू और इन्हीं सिग्नल्स के माध्यम से इकोनॉमिस्ट को समझ आती है कहीं इकोनमी रिसेशन की तरफ तो नहीं बढ़ रही तो ठीक है आपके अब दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम रिसेशन ये होता है तो फिर डिप्रेशन क्या होता है क्योंकि हमने अक्सर इसको इंटरचेंजेबली सुना है कि इकॉनमी इज़ गोइंग थ्रू डिप्रेशन और इकॉनमी इज़ गोइंग थ्रू रिसेशन तो रिसेशन क्या है और डिप्रेशन क्या है शुड बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन तो कोई बात नहीं उसको भी सॉल्व कर देते हैं तो स्टूडेंट्स हमने जब रिसेशन की डेफ़िनेशन पढ़ी थी तो रिसेशन की डेफिनेशन पर अगर हम फिर से चलें तो हमने क्या बोला था कि जब जी डी पी कॉन्ट्रैक्ट करे दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक मतलब लगातार छः महीने तक अगर जी डी पी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या घट रहा है उसको रिसेशन बोलते हैं तो डिप्रेशन क्या होता है तो डिप्रेशन के केस में होता है जब जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करता है फॉर सेवरल ईयर्स और डिकेड तब बोला जाता है कि इकोनॉमी में डिप्रेशन आ गया है तो रिसेशन जब लंबे टाइम तक अगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बात करूं रिसेशन जब लंबे टाइम तक खिंच जाता है जैसे कि कुछ साल या कुछ डिकेड या दशक तक तब उसे बोला जाता है डिप्रेशन तो रिसेशन का लॉन्गर वर्जन या लॉन्गर टेन्योर इज व्हाट इज डिप्रेशन ऑल अबाउट होता वहां पे भी वही है देर इज फॉल इन दी जी डी पी देर इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट भाई जी डी पी कॉन्ट्रैक्ट वहां भी करती है लेकिन लंबे समय तक बेरोजगारी रहती है इकोनॉमी में लेकिन लेकिन बहुत लंबे समय तक रिसेशन में तो क्या था अगर दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर मतलब छः महीने तक भी हो रहा है तो वो रिसेशन है बट डिप्रेशन में हो सकता है वो बेरोजगारी कुछ पाँच सालों या सात साल या दस साल तक एग्जिस्ट करे दैट इज वेयर हम बोलते हैं कि इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन तो कब आया था हमारे वर्ल्ड में डिप्रेशन एक बहुत ही फेमस पीरियड था एक टर्म था जिसको ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है उसका क्या टेन्य था उसका क्या टर्म पीरियड था इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि कब ग्रेट डिप्रेशन हमारे वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ था और उसका एंडिंग ईयर क्या था इसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा अगर आप अगर आप रिसेशन से रिलेटेड कोई एक एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं डेफिनेटली यू हैव टू विजिट माय पेज विच इज नान अंडर स्कोर बी ट्वेंटी टू ऑन इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स विद नानकी इज दी पेज और ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप समझना चाहते हैं उसको डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे स्टूडेंट्स क्या समझना चाहते हैं मुझसे आगे चलते हुए सो स्टे ट्यून्ड अगर वीडियो या सेशन पसंद आया तो जरूर उसको शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल